हेलो गाइस, वेलकम टू दिस चैनल। और ये है हमारा पेट, और ये अलेक्जेंडर है, और ये अभी 1 मंथ और 10 डेज का है। तो आज जो हम ये वीडियो है, इसके अंदर बताएंगे कि इसको फीड कैसे करवाएं। जो सॉलिड फीड होता है वो, जैसे कि लिक्विड जो फीड होता है वो अलग होता है। और ये जो आज आज की जो वीडियो है, इसके अंदर है कि इसको सॉलिड फीड कैसे करवाना है, तो उसके ऊपर है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि ये जो अलेक्जेंडर होता है, इसकी जो बीक होती है वो थोड़ी बड़ी होती है, तो ये बहुत कम एज में ही, और जो ये सॉलिड फूड जो होता है इसको खाना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर आपके पास इंडियन पैरट है, जो कि वो है ना, रिंग नेक जो पैरट होता है ना, उसकी जो बीक होती है, तो उसकी जो बीक होती है वो थोड़ी छोटी होती है, तो वो सिर्फ वो, मतलब कि काफ़ी टाइम तक उनको जो लिक्विड फूड होता है वो फीड करना पड़ता है, बट ये खा लेते हैं। तो जैसे कि आप देख तो ये आप देख रहे होंगे, ये है चने की दाल जिसको हमने भिगो लिया है। तो आप उसको भिगो लें 2-3 घंटे तक, और उसके बाद ये थोड़ी जब सॉफ्ट हो जाएगी तो उसको, उसके बाद आप इसको फीड कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये हमारा बेबी पैरट है चीकू। हेलो चीकू। तो ये जो है ये हैंड से फीड कर लेता है। देखिए कुछ ज्यादा ही भूखा है चीकू। ये देखिए खाने के लिए कितना एक्साइटेड है, कितना एक्साइटेड है चीकू। ओ, भूख लग रही है चीकू को। तो आप इसको ये एक एक दाना करके ऐसे फीड कर सकते हैं, क्योंकि अभी इस एज तक है ना, 2-3 मंथ तक ये कुछ और नहीं खाते हैं, तो इनको सिर्फ ये चने की दाल होती है, यही भिगो के खिलानी होती है। तो अगर आपका भी बेबी पैरेट है और वो अलेक्जेंडर है, तो उसको आप दोनों फीड कर सकते हैं, लिक्विड भी, और ये वाला सॉलिड है ये भी फीड कर सकते हैं। तो अभी ये अब सेल्फ फीड तो नहीं करता है, क्योंकि अभी उतना बड़ा नहीं है, बट ये आराम से खा लेता है। जैसे दाल होती है या फिर स्पून से अगर आप फीड कराएंगे तो ये खा लेंगे। और इनका जो टाइमिंग होता है वो, आप इसको दिन में 2 बार दे सकते हैं फूड, मॉर्निंग में और एक इवनिंग में। थोड़ा ज़्यादा फूड नहीं खिलाना चाहिए बेबी पैरेट को, क्योंकि ज़्यादा खिलाने से थोड़ा इंडाइजेशन हो जाता है और लूज मोशन हो सकते हैं, वॉमिटिंग भी हो सकती है। तो आप ज़्यादा नहीं उनको खिलाना चाहिए, एक लिमिटेड खाना होता है वो उनको खिलाना चाहिए मॉर्निंग में और इवनिंग में। ये देखिए कुछ ज़्यादा ही लग रहा है, भूखा है तो कितना ज़्यादा बोल रहा है। और ना ही इनको कम फीड करना चाहिए, ना ही ज़्यादा फीड करना चाहिए। तो आप एक एक जो नॉर्मल अमाउंट होता है वो उनको फीड कराना चाहिए, जैसे कि हाँ 30-40 जो ये दाने होते हैं दाल के, वो आप इनको खिला सकते हैं। और स्पून से भी ये वैसे खा सकते हैं, बट अगर वो हाथ से खाए तो भी आप खिला सकते हैं दोनों से। और ये इनको अभी कोई और दाल नहीं खिलानी है, सिर्फ चने की दाल जो होती है वही उन्हें खिलानी है। और ध्यान रखा जाना चाहिए कि जो दाल होती है वो थोड़ी कच्ची ना, वो अच्छे से भीग जाए, 2-3-4 घंटे उसको भिगो दे, और फिर अगर आप चाहें तो थोड़ा उबाल भी सकते हैं, और तो वो आप इसको खिला सकते हैं। और इनको ट्राई करें कि आप कुछ और ना खिलाएं, क्योंकि कुछ और खिलाने से, जैसे कि फ्रूट्स वगैरह या फिर कुछ और, अभी इनको ना खिलाएं, सिर्फ यही खिलाएं। और थोड़ा पानी भी आप इनको पिला सकते हैं, है ना, क्योंकि जैसे अभी समर है तो आप थोड़ा जो दाल का ही पानी होता है वही पिला सकते हैं इनको। और अभी जैसे ये अभी थोड़े बच्चे हैं, बेबी है, तो इनके बहुत ज़्यादा अच्छे से केयर करनी होती है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि एक जो बेबी पैरेट होता है 1 to 2 to 3 मंथ का, उसकी केयर कैसे की जाती है। इस वीडियो में मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि इनको जो सॉलिड फूड होता है, जो चने की जो ये दाल होती है, इसको कैसे फीड करानी है। और ये इस टाइम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं खाना खाने के लिए, है ना। और जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो ट्राई करेंगे, और जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो हम ट्राई करेंगे कि जो लिक्विड फूड जो होता है, जो इंडियन जो रिंग नेक पैरेट होते हैं वो भी खाते हैं, वो आपको दिखाएंगे कि वो कैसे फीड करानी है। चीकू, ओले ओले ओले, बाबू को भूख लग रही है। बश बश, खाना फिनिश। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और नीचे जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर दीजिए। और इसका नाम है चीकू। चीकू हेलो बोलो, चीकू हेलो, हेलो चीकू। अभी तो ये कुछ नहीं बोलेगा। हाँ, भूख लग रही है। तो गाइज लाइक कर देना वीडियो को, और भी ऐसी अच्छी वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। चलो बाय बोलो, बाय बोलो चीकू, बाय बोलो, बाय 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 चीकू।